इनवैलिड पुलबैक के बारे में अपन बात करेंगे कि इनवैलिड पुलबैक क्या होता है एंड इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आपका मार्केट अप जा रहा है यहाँ से, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे क्या है, ये एक कैंडल बनाई, ठीक है। यहाँ पे ब्लू कैंडल का मतलब आप ये समझिए आपकी रेड कैंडल है ये, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, जो उससे पहले कैंडल बनी थी उसका लो ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट हाई ब्रेक कर दिया। तो ये इनवैलिड पुल बैक है। वैलिड पुल बैक का मतलब इतना होता है कि जो रिसेंट में कैंडल बनी है उसका लो ब्रेक होना नेसेसरी है। अगर नहीं होता, विग ब्रेक होती है तो भी कोई इश्यू नहीं, विग से भी आप काम चला सकते हैं, वो भी आपका वैलिड में काउंट होगा। बट अगर इसने कुछ भी यहाँ पे ब्रेक नहीं किया तो इनवैलिड में काउंट होगा ही, पहली चीज, ठीक है। सेकेंड क्या हुआ, आपका मार्केट ने एक बहुत बड़ी विग मारी यहाँ पर, ऐसा कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपके मार्केट ने बहुत बड़ी एक विग मारी। विग मारने के बाद क्या हुआ कि आपका मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ से डाउन कैंडल बनाया, ठीक है। बट मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं थी यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, अगेन ये वाली, ठीक है, ये वाली। बट मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं दी, अगेन एक कैंडल बनाई बट ये सस्टेन नहीं कर पाई। और इसने क्या किया, ऊपर विग ब्रेक कर दी बट नीचे विग ब्रेक नहीं किया। यानी कि जब तक नीचे मार्केट कैंडल, जो रिसेंट कैंडल मार्केट की बनी थी, अगर उसको मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपका वैलिड पुल ब्रेक नहीं होगा, वो इनवैलिड में काउंट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। नेक्स्ट, मार्केट ने क्या किया कि एक कैंडल बनाई ग्रीन वाली, ये ग्रीन कैंडल है। फिर मार्केट ने उसके अंदर दो छोटी छोटी कैंडल बनाई, ठीक है, दो छोटी छोटी कैंडल बनाई। दो छोटी छोटी कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या, क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। एंड देन तीसरी जब कैंडल बनी तो मार्केट ने ऊपर वाली क्लोजिंग दे दी। तो इसको आप इस तरीके से कंसिडर नहीं कर सकते कि ये चीज आपकी रियल बॉस होगी, नहीं, ये फेंक है, ये गलत है आपके साथ है। आप इसमें ट्रैप मत होना कभी भी, ठीक है, आप ट्रैप मत होना इन चीजों में। तो उसके बाद क्या हुआ, फोर्थ सिचुएशन में मार्केट आपका अप गया, ठीक है, बट मार्केट ने दो बड़ी बड़ी विक बनाई अप एंड डाउन में। नेक्स्ट जो भी थर्ड कैंडल बनती है, थर्ड कैंडल क्या होती है, इनसाइडेड बनती है उसकी। एंड फोर्थ जो कैंडल बनी उसको ब्रेक तो कर देती है लेकिन नीचे कोई क्लोजिंग वगैरह कुछ भी नहीं देती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या हुआ, मार्केट हाई गया, मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, बट मार्केट ने क्या किया, इस रेड कैंडल के नीचे किसी ने भी क्लोज नहीं दिया। हाँ, अगर ये रेड कैंडल का जो विग है अगर इसको क्लोज कर देता देन ये ऊपर हो जाती तो ये अपना एक वैलिड होता। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से अपन ये कंसीडर कर सके कि मार्केट ने यहाँ पे वैलिड पुल बैक देना का प्राइस किया था, ठीक है। यहाँ पे जो मार्केट का प्राइस था वो कुछ यहीं से अप हो गया, इस वजह से फिफ्थ नंबर का जो स्ट्रक्चर है ये भी इनवैलिड में काउंट होगा, ठीक है। अब देखिए मार्केट क्या हुआ, यहां तक अप गया, ठीक है। मार्केट उसके बाद क्या हुआ, अप जाने का ट्राई कर रहा था बट मार्केट अप नहीं गया, वापस डाउन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो कैंडल बनी ये पूरी की पूरी इनसाइड कैंडल बनी। एंड अगली जो कैंडल बनी उसका उसने विग तो ब्रेक कर दिया है, विग से विग, बट उसने रिसेंट वाली जो कैंडल का लो था वो ब्रेक नहीं किया। इस वजह से जो पूरी की पूरी इमेज मैंने आपको दिखाई है, छह इमेज, ये छह की छह इमेज इनवैलिड को दर्शाती है कि ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं, इस टाइप के जो भी स्ट्रक्चर आपके सामने आते हैं ये सारे के सारे इनवैलिड काउंट किए जाएंगे, ठीक है। आपको इनमें ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ जिसमें वैलिड और इनवैलिड दोनों को अपन कंसीडर करेंगे एंड दोनों को अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो अपन समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन कुछ चीजें देखेंगे जिसमें सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और जब आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएगी तो कोई इश्यू नहीं आएगा, इतनी मेरे ख्याल से फिर तो आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि अपन चार्ट के किसी भी एक टॉप या बॉटम पे पकड़ते हैं जहां से अपन समझ सकें, यहीं से पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, डाउन में और अप में दोनों में बताता हूँ। यहां पे मार्केट ने क्या किया, ये कैंडल थी, इसने इसका विग ले लिया फर्स्ट कैंडल का। विग लेने के बाद ये कैंडल अपनी बन चुकी है, ऐसे कैंडल को पूरी को मार्क कर लेना है कि अब इसके पास दो सिनेरियो हैं। दो सिनेरियो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको लिख के भी समझा देता हूँ। और ठीक है, कहाँ पे गए हो,
हाँ ये रहा, ठीक है मैं आपको लिख के और दोनों चीजें यहां पे समझा देता हूँ जिससे कि आपको इजी हो जाए, ठीक है। अब मान लीजिए अपना डाउन स्ट्रक्चर है, तो डाउन स्ट्रक्चर में क्या होगा कि मार्केट है उसको ऊपर वाली कैंडल की लिक्विडिटी लेनी होगी। तो यहाँ पर रेड और ग्रीन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और क्लियर कर देता हूं मैं कि जब भी आप वैलिड पुल बैक देखेंगे रेड और ग्रीन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपनी कैंडल हो गई, ठीक है, जिस पे अपन को देखनी है क्या वैलिड पुल बैक। तो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि ऊपर वाली कैंडल का लो ले लिया। सेम चीज अगर डाउन में होती तो जैसे डाउन में लिया तो डाउन में भी ले लिया, ठीक है, इसका लो। तो अब मार्केट ने क्या किया, इसका यहाँ पे वीक ब्रेक कर दिया, ठीक है, लो लेने के बाद, तो ये वैलिड पुल बैक में काउंट होगा। सेम क्या हुआ कि अब इसका देखिए मार्किंग कैसे होगा, तो सबसे पहले ये हाई पॉइंट हो गया, ठीक है, और लो पॉइंट ये वाला हो गया अपना। क्या दोबारा बता देता हूं मैं आपको, अपना जो हाई है ये वाला अपना हाई पॉइंट हो गया और ये वाला अपना लो पॉइंट हो गया। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये जो वाला ये आपका हाई हो गया और ये जो वाला पॉइंट है आपका लो पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हाई एंड लो को लेने के बाद मार्केट क्या करेगा कि यहाँ पे आपका जो क्लियर है वो हाई कंफर्म हो गया। अब लो कब होगा, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा वी लेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, यहां से कुछ इस तरीके से ये इतना आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो आप एंट्री एंड एग्जिट वगैरह प्लान करते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये जोन मैंने एक बना दिया, जैसे आप क्या समझेंगे एमआर कैंडल है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, एंट्री प्लान कर ले, कहाँ तक करोगे इस पुल बैक तक, ठीक है, ये स्केल्पिंग एंट्री आपकी यहां से हो जाएगी अच्छी खासी, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कुछ चाहे वीक हो चाहे मत हो, मार्केट ने क्या किया, ये वाली कैंडल जो है इसने क्लोज कर दिया, तो लो अपना कहा यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया, ये भी अपना काउंट हो गया वैलिड। अब इनकी मार्किंग कैसे होती है वो मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ये वाला जो है लो इसको ब्रेक कर दिया नीचे, एंड देन मार्केट ने क्या किया, ये पूरी कैंडल हो गई, यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब आप समझिए कि मैंने यहाँ पे जो है ये पूरी की पूरी जितनी भी कैंडल्स ये बनी है ये सारी की सारी इनसाइडेड कैंडल काउंट होगी इसके अंदर। क्यों, क्योंकि अपना जो हाई ब्रेक किया है मार्केट ने वो किस कैंडल का ब्रेक किया है, लो ब्रेक सॉरी, इस कैंडल का, किसका, इस वाली कैंडल का, ठीक है। इस कैंडल का मार्केट ने क्या किया है कि अपना जो है लो ब्रेक किया है मार्केट ने। तो अगर जिस कैंडल का मार्केट लो ब्रेक कर रहा है उसको कुछ इस तरीके से आप रख लेना, ठीक है, और इस कैंडल तक ही रखना जिसने किया, तो इसने ब्रेक कर दिया। तो अब अपने को एंट्री कहाँ लेनी है वो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, एंट्री इस पॉइंट पे लेनी है। हाँ अब यहाँ पे एक ध्यान रखना, अगर कैंडल क्लोज हो जाती तो बहुत बढ़िया बात है, वो आपको एक अच्छी खासी एंट्री बता रहा है मार्केट की, भाई मैं यहाँ से अब जाने का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप शॉर्ट टर्म इंटरनल में बहुत सारी चीजें ही है, आप एवरी कैंडल पे चीज मार्क कर सकते हो, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे हुआ, बट यहाँ पे नीचे कुछ है ही नहीं। आप हर चीज पे मार्किंग कर सकते हो ऐसे, यानी कि हर एक सिंगल कैंडल पे आप कुछ ना कुछ मार्किंग कर सकते हो, और जब आप ये चीज सीख जाओगे तो अच्छी खासी एंट्री दे दो, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो वैलिड पुल बैक था वो मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से आपको करता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा आपको, थोड़े जूम इन जूम आउट कर देंगे। ठीक है अब मैं यहाँ पे मार्किंग करता हूँ, तो सबसे पहले क्या होगा, यहां से अपन शुरू करते हैं, अपना मार्केट गया यहां तक आया, उसके बाद मार्केट डाउन कहाँ तक आया, यहां तक आया, ठीक है, ये अपना कैंडल हुआ एक। अब मैंने इसको क्यों नहीं लिया मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ने इसका लिया लेकिन लो नहीं लिया, इसलिए अपन क्या करेंगे कि आपका जो हाई है वो ये वाला पॉइंट होगा, लो है ये वाला पॉइंट होगा, देन उसके बाद मार्केट ये आपका हाई गया, ठीक है, हाई जाने के बाद लो ये वाला पॉइंट हो गया आपका, एंड अगेन हाई ये वाला पॉइंट हो गया, देन लो ये वाला हो गया, और हाई अपन डायरेक्ट इसी पॉइंट को मानेंगे जो इसके ऊपर यहाँ पे ऊपर तक गया है, ठीक है। मानने को तो और भी चीजें हैं इसमें, बट वो चीज आपको सिखा रहा हूँ जो रियली में काम करेगी आपके, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर निकल के आ गया, अब इसको स्ट्रक्चर के तौर पर अपन निकालते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा कुछ ये, हाँ ये हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, ये कुछ इस तरीके से,
ठीक है, अब मैं इसको स्ट्रक्चर को निकाल के दिखा देता हूं। ये आ गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप चीजों के स्ट्रक्चर को निकाल सकते हो, ठीक है, कि आखिरकार मार्केट कहना क्या चाहता है। अगर आपको कैंडल्स में के अंदर जो है समझ में नहीं आता है तो ठीक है, तो आपका मार्केट क्या हुआ कि कहां से स्टार्ट हुआ था, आपका मार्केट इस डाउन पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, या आपका हाई बना या आपका लो बना, या आपका हाई बना ये लो बना। अब लो जो पॉइंट बनेगा यही आपका इल्यूजमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में अपन इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया है कि जो अपना वैलिड पुल बैक होता है वो कैसे काम करता है, एंड वैलिड जो पुल बैक होता है उसकी क्या कंडीशन वगैरह होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि वैलिड पुल बैक यहाँ पे कौन सा है। मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया, तो इस कैंडल को पकड़ेंगे अपन, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं की है तो ये अपना काम नहीं करेगा, ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में फंस गए यहाँ पे। उसके बाद कोई और है जिसको अपन देख सकते हैं, तो उसके बाद आता है ये वाला, लेकिन यहाँ पे क्या इक्वल है तो अपन इक्वल को भी कंसिडर करेंगे। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ले लिया, तो आपका वैलिड पुल बैक कौन सा होगा, ये होगा। अब ये क्यों होगा मैं बता देता हूं। यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने कैंडल क्लोज की, ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे। यहां पे भी कैंडल ऊपर भी क्लोज हो गई और नीचे विक ले ली मार्केट ने, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है तो विक से भी काम चलेगा यहां, तो मार्केट ने विक ले ली और यहां पे कैंडल क्लोज कर दी। तो यहां पे आपका एक अच्छा खासा एंट्री बना था, ठीक है। चलो आपसे यह भी अगर मिस हो गया कोई इशू नहीं, मार्केट ने यहां पे क्या किया कि जो लास्ट कैंडल है या रेड वाली, इसकी यहाँ पे मार्केट ने विक ले ली और यहाँ पे मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दी ये वाली। तो इस तरह से आपको वैलिड पुल बैक फाइंड आउट करना। अब वैलिड पुल बैक अगर आप फाइंड आउट कर लेते तो इसका क्या फायदा, अब वो देखते हैं। अब मान लीजिए आपको वैलिड पुल बैक कंसिडर करना समझ में आ गया, ठीक है, तो अब आपका मार्केट हाई के, आप हाई एंड लो कैसे कंफर्म करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका वैलिड पुल बैक जो है ये वाला एरिया है, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ इस तरीके से मार्किंग होगी इसकी। तो आपको यहां पे क्या करना है, जो भी आपका रीसेंट वैलिड पुल बैक होगा, क्या बोल रहा हूं दोबारा सुनना, जो भी आपका रीसेंट वैलिड पुल बैक होगा वहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना कि जब भी मार्केट इस लाइन को या तो वीक स्वीप करे या यहां पे कैंडल क्लोज करे, कुछ भी करें, या तो मार्केट आपका क्या बोल रहा है मैंने, या तो वीक स्वीप करे या कैंडल क्लोज करे, या आपका आईडीएम खेलाए, ठीक है, इल्यूजमेंट, ठीक है, जिसके बारे में अपन जो है नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।